प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एम्स का निरीक्षण भी किया। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर एम्स में देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल बनाया जा रहा है। तो टोबैको कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया सीएम योगी ने आज। कैसे नशे से युवाओं को बचाया जाए, किस तरह से नियंत्रण किया जाए और कैसे सुधार लाया जाए, इन तमाम चीजों पर आज सीएम योगी ने बात करी है। आपको बता दें कि गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां सीएम योगी ने आज एम्स में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर एम्स देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन तंबाकू कंट्रोल बन गया है। और इस खबर पे हमारे से गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज टोबैको कंट्रोल का उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और नशे से बाहर निकलने के लिए, क्या कुछ तरीके बताए? बता दें कि सीएम योगी का और अंतिम दिन था गोरखपुर में, और गोरखपुर दौरे के दौरान उनको फिर यहाँ से आजमगढ़ जाना था। तो आज सुबह 10 बजे का कार्यक्रम था एम्स में। उनको 100 बेड का एक वार्ड शुरू किया है, जहाँ तमाकू खाने वाले या सिगरेट पीने से जो दिक्कतें उनको होती हैं, बीमारियां होती हैं, कैंसर हो जाते हैं ऐसे में, या फिर उनको नशा मुक्ति करना है तो उसके लिए भी वहां पे उन्होंने एक चालू किया है, 100 बेड का जो है वार्ड चालू शुरू किया हुआ है। और वहां पे पूरी तरह से देखा जाएगा किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों तमाकू नहीं छोड़ पा रहे, उसके लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, इलाज किया जाएगा। अब सीएम योगी ने अपने भाषण में भी कहा है, संबोधित करते हुए, कि जितने भी पहले देखा जाता था डॉक्टर होते थे अपने वार्ड में ही बैठ करके और कमरे में बैठ करके पीते थे, भले ही मरीज देख रहा है ओपीडी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिगरेट पीना शुरू कर देते थे जिससे दूसरों को भी दिक्कत होती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सामूल खाता है या सिगरेट पीता है तो उससे खुद को ही नहीं बल्कि दूसरे को भी धूम्रपान से दिक्कत होती है और उसको भी बीमारियां लग सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उससे बचने के लिए स्वास्थ्य सुविधा और रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। और रिसर्च सबसे बड़ा ये चीज है कि रिसर्च किस तरीके से की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है और कहाँ रिसर्च को लिया जाया जा रहा है, तो इससे जो है पूरी तरह से अंकित करना होगा ध्यान को। तो और सीएम योगी ने इस चीज पर पूरा ध्यान दिया और कहा कि इस तरीके की चीजों पे आगे भी ध्यान देगा ताकि चिकित्सा सुविधा जो सबको मुहैया किया जाए। और ये देश का पहला ऐसा सेंटर बन चुका है एम्स गोरखपुर, जहाँ पे पूरी तरह से नशा मुक्ति के लिए और तमाकू से होने वाले नुकसान से जो है पूरी तरह से उनको छुटकारा देने के लिए इलाज किया जाएगा। हिमांशु, अगर बात करें नशा मुक्ति केंद्र की, तो वहां पे लोग जाते हैं लेकिन वहां से नशे से दूर नहीं होते, उल्टा और नशे की तरफ खींचते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। तो नशा मुक्ति केंद्र और एम्स गोरखपुर में जिस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी, तो किस तरह से अलग होगा ये नशा मुक्ति केंद्र से? ये बिल्कुल नशा मुक्ति केंद्र में पूरी तरह से उनको या तो बांध के रख दिया जाता है उनको, और जैसे कोई मैच पीता है तो उसको जो है शराब पिला के खिलाने की कोशिश की जाती है, दवाई से असर नहीं पाता, बाद में उसको दवा शुरू किया जाता है। तो ऐसे में उन लोग को काफी दिक्कतों का सामना होता है। सिगरेट पीने वालों के लिए भी यही समस्या होती है, वो पी नहीं पाते हैं, उनका सांस फूलता है और इसमें उनको जो है दवा दी जाती है तो उनको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। कुछ समय बाद ये फिर शुरू कर देते हैं शराब पीना या फिर आप कह सकते हो धूम्रपान करना, तो इस तरीके से उनको जो है छुटकारा पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन एम्स में पूरी तरह से रिसर्च के जरिए और अच्छे डॉक्टरों के जरिए जो है पूरी तरह से उनका इलाज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी, क्या उसमें जो प्रभाव आ रहा है उससे इलाज करके उसकी पूरी तरह से कोशिश यह रहेगी कि उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए नशे से और उसकी जो भी बीमारियां हैं उसको भी मिटाने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। लखनऊ में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली थल सेना भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेना भर्ती मुख्यालय में आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अब तक उत्तराखंड में कुल 1,08,906 पंजीकरण किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 4,52,402 पंजीकरण किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6 और उत्तराखंड में 3 ARO है। तो
पंजीकरण के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां अब पंजीकरण की समय सीमा समाप्त कर दी गई है और जो आंकड़े सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देश में कई राजनीतिक दलों द्वारा इस अग्निपथ योजना का काफी विरोध किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसके चलते इस योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाई और उसका नतीजा अब सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो चुका है और जो आंकड़े सामने आए उत्तराखंड से, वहां पे कुल 1,08,906 पंजीकरण किए गए, वहीं उत्तर प्रदेश में 4,52,402 पंजीकरण किए गए, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक बताई जा रही है। और इस खबर में हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं, विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, जिस तरह से पंजीकरण किया गया है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के आंकड़े सामने आए, किस तरह से देखते हो, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा है। जी, इसी का आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत जो थल सेना में नियुक्ति आई थी उसमें रिकॉर्ड तोड़ आवेदन मिले हैं। आपको बताएं कि जब अग्निपथ योजना आती है तो तमाम विरोधों का शिकार बनती है, जिसमें तमाम विरोधी दलों के पार्टियों की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते हैं, साथ ही साथ अभी जो तैयारी करने वाले छात्र थे उनकी तरफ से आगाजनी और तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं अग्निपथ को लेकर, इस योजना को लेकर सवाल उठाते हुए दिखे। वही एक चौंकाने वाला मामला ये आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, वही अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। वही सिखा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में और आपके उत्तराखंड में इसे साफ तौर से जो मुख्यमंत्री थे उनके तौर से कहा गया कि हम उत्तर प्रदेश की जो नौकरियां हैं उसमें जो अग्निपथ योजना से जो अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे उन्हें वरीयता देंगे, उन्हें हर एक विभागों में अगर देखें तो जैसे NCC के कोटे होते हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोटे बना दे जाने की बात कही गई थी। वही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ARO का जो पंजीकरण था वो 30 जुलाई को बंद हो गया। वही अगर बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 3 अगस्त को ये आवेदन बंद हो चुका है। वही अब देखने वाली बात ये होगी शिखा कि इतने आवेदन में जो चुन के जाते हैं उनमें से कितने लोगों का चयन होता है। वही अब देखने इसमें एक अलग मामला ये देखने को मिला है कि इसमें जो महिला है जो कि इंडियन आर्मी में कुछ साल पहले रिक्रूट होके आ रही हैं और अग्निपथ योजना में उन्हें बेहद अपना दिलचस्प दिखाते हुए महिलाओं का भी आयोजन कहीं ना कहीं भारी संख्या में आया है, और ये जो जेंडर इक्वेलिटी की बात की जाए लिंग अनुपात की उसमें एक बेहतर कदम है, क्योंकि देखा जाए तो जब आवेदन आता है तो उसमें खास तौर से आर्मी की भर्तियों में और पुलिस की भर्तियों में जो पुरुष है पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती है, मगर जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को आवेदन कराया गया है इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी ठीक ठाक निकल के आई है और आने वाले समयों में ये अग्निवीर अपने देश की सुरक्षा में भी लगेंगे। जी विभांशु, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कई बयानबाजी देखने को मिली थी इस मामले में। अगर अग्निपथ की बात करी जाए तो विपक्ष का कहना था कि इससे जो सेना के जवान हैं उसमें कमी आएगी क्योंकि कम समय के लिए भर्ती होगी और उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा, तो वहीं सरकार द्वारा कहा गया था कि उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो देश के लिए काम करेंगे, तो ऐसे में किस तरह से देखते, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो ये प्रशिक्षण प्राप्त जवान किस तरीके से काम आ सकते हैं सेना के और देश के? जी, जब ये फैसला आया कि अग्निपथ योजना के तहत ये 18 साल से ऊपर के बच्चों को अग्निवीर बनाया जाएगा जिन्हें 4 साल सेना के अंदर में नौकरी दी जाएगी, साथ ही साथ वो अगर 10वीं में है तो अपनी जो इंटर की पढ़ाई होती है वो वहीं से कर सकेंगे, तो विपक्ष इस पे पूरी तरह से हमलावर होते हुए उनका सवाल ये था कि अगर कोई सेना में भर्ती होता है और वो महज एक 12वीं डिग्री लेकर रिटायर होता है तो उसका भविष्य क्या होगा। साथ ही ये कहा गया कि कई ऐसे विशेषज्ञों की तरफ से कि ये सेना के लिए कमजोर कड़ी होगा, क्योंकि महज अगर देखें तो जो 4 साल की नौकरी है उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर उन्हें
बॉर्डर पे भेज दिया जाता है, जो संवेदनशील इलाके हुए वहां भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो सेना है उसके लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे। मगर इस पे तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनके सलाह के बाद बदलाव किए गए हैं। और देखे तो जब से ये लॉन्च हुआ तब से जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चाहे रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जाए, चाहे संयुक्त तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ की जाए, तो इसमें तमाम ऐसे बदलाव किए गए जिसमें जो विपक्षी है जो सवाल उठा रहे थे तो उनके भी सवालों का जवाब देते हुए और सेना ने उसमें कई बदलाव किए। अब आने वाले समयों में देखने वाली बात ये होगी कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा था वो कितना लाजमी था। वहीं अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा था कि अगर ये छात्र 18वीं साल पे ये सेना में भर्ती होते हैं और इनका 24 पे अगर ये रिटायर होते हैं तो 24 के बाद ये क्या करेंगे, और महज इनके पास एक 12वीं की डिग्री होगी। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि इसमें क्या नए प्रारूप लाए जाते हैं और क्या बदलाव लिए जाते हैं। अगर देखें तो अग्निपथ की ये पहली भर्ती है और पहली भर्ती के बाद माना ये जा रहा है कि अगर कुछ कमियां होंगे तो उसमें संशोधन किया जाएगा। वही अगर विशेषज्ञों के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत सेना का जो लोड है, जो पैसे के अगर देखें तो जो सेना का बजट है उसमें भी कटौती होगी और सेना के बजट इससे जो बिगड़े हुए हैं वो भी सही हो सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़े थे। बुलंदशहर में सदर तहसील क्षेत्र के गांव बुढ़ाना में ग्राम प्रधान के उपचुनाव में 107 वर्ष की वृद्धा मतदान के लिए पहुंची। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इस दौरान सदर एसडीएम अरविंद कुमार सिंह मतदान केंद्र पर मौके पर मौजूद रहे और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो आज चुनाव है और ऐसे में कई अहम चीजें देखने को मिली हैं। आपको बता दें कि आज 107 वर्ष की वृद्धा ने भी अपने मतदान का महत्व समझते हुए मतदान करने पहुंची। बुलंदशहर में तहसील क्षेत्र के गांव बढ़ाने में ग्राम प्रधान पर के उपचुनाव में 107 वर्ष की जहां वृद्धा ने मतदान किया तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद देखने को मिली। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर हरदोई से है जहां श्रीदास सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चे देश के मानचित्र पर तिरंगा बनाकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की मुहिम में शामिल होकर आजादी का 75वां स्वराज अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने की सभी जनपदवासियों से अपील कर रहे हैं। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत मंथन समारोह के अंतर्गत हमारे विद्यालय डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में बच्चों के द्वारा तिरंगे का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा बहुत मेहनत के द्वारा ये बनाया गया है ताकि ये हर घर संदेश पहुंचाया जा सके कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगे को लगाएं और एकता भाव का प्रदर्शन करें। द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज द नेम आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एसोसिएटेड विद द कल्चर एंड अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार हमने हमारे स्कूल में तिरंगा कार्यक्रम रखा गया, जिससे हम सभी को यह संदेश दे रहे हैं कि हमें पूरे जनपद में 13 से 15 तारीख तक 75वीं वर्षगांठ मनानी है और घर घर तिरंगा लहराना है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर तिरंगा चलाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बच्चों ने आज स्कूल में तिरंगा झंडे को बनाकर और देश को जागरूक करने का संदेश दिया है। बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 75 साल पूरे होने के अवसर पर अब इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करते हुए ये बच्चे नजर आ रहे हैं, जहां एक भारत का नक्शा बनाकर तिरंगे रंग से और साथ ही साथ सभी बच्चे उसके आसपास से तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी अपने घर पे तिरंगा लहराएं, अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। और इस खबर पे हमारे साथ हरदोई से संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं।
हर्षराज, जिस तरह से बच्चों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़े भी उत्साहित नजर आ रहे, क्योंकि अमृत महोत्सव देश ने मनाया, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए हैं पूरे साल और अब हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, किस तरह से देख रहे हैं? अगर हरदोई जिले की बात करी जाए तो क्या लोग झंडे खरीदते अपने घरों पर लगाते नजर आ रहे हैं? कैसा देखने को मिल रहा है माहौल? आपको बता दें कि 75 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, आओ चलो मिलकर हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। मंगलीपुर स्थित दाल सिंह मेमोरियल पर जो बच्चे हैं उन्होंने इस तरीके से इसको धूमधाम से मनाया है और घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की मुहिम शामिल होकर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाते हुए टीचर और बच्चे साथ में हैं। इन्होंने ये 13 से 15 अगस्त को ये तिरंगा लहराने का संकल्प देते हुए 75 का आजादी अमृत महोत्सव बना रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए और एक देशवासी को अपनी एक अलग मुहिम छेड़ी जाए। जी, तो लोगों की अगर बात करी जाए, आम जनता की बात करी जाए, वो कितना उत्साहित लग रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार भी कई कदम उठा रही है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पत्र भेज के लोगों को इस बार संदेश देंगे, जागरूक करेंगे हर घर तिरंगा अभियान के लिए, तो लोगों में कितने उत्साह देखने को मिल रहा है हर्षराज? जो बच्चे हैं स्कूल के, इन्होंने बहुत ही उत्साह से पब्लिक को जागृत किया है और जिस तरीके से लोगों में मुहिम चल रही है कि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक ये मुहिम चलेगी, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग अपील कर रहे हैं, जिससे कि जनता में भी बहुत ही उत्साह के तरीके से ये मनाया जा रहा है और देखा जा सकता है कि हर घर पे तिरंगा लहराया जाए और लोग अपनी अपनी डीपी भी चेंज कर रहे हैं साथ में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हरदोई से संवाददाता हर्षराज सिंह जुड़े थे हमारे साथ। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की अवैध जमीन को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। गाजीपुर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जाफराबाद में हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिस जमीन को कुर्क किया गया है उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान जिले के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। गाजीपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस जमीन की कुर्की करी गई है। 50 लाख की कीमत बताई जा रही है इस जमीन की और एक बड़ा नोटिस भी यहां पे लगा दिया गया है। इस खबर पे हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। इस खबर पे पवन, पूरी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से शिकंजा लगातार माफियाओं के खिलाफ कसता जा रहा है सरकार का और एक और कार्रवाई करी आज सरकार ने, किस तरह से देखते हैं? जी, हम आपको बता दें कि शासन के द्वारा अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी के तहत आज मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर जो बेनामी संपत्ति थी उसको गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा आज कुर्क किया गया है। जी, तो जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कस रहा है सरकार का, इससे जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार अपराधियों में कार्रवाई होने से और उनकी संपत्ति कुर्क होने से, तत्काल सुनवाई होने से जनता में एक अच्छा संदेश जा रहा है। और इसके पहले मुख्तार के भाई जो हैं अफजाल अंसारी, जो वर्तमान में गाजीपुर सांसद हैं, अभी जो कुछ दिन पहले उनकी भी करीब 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई थी। जी, तो क्या मुख्तार अंसारी या उनके किसी करीबी की और भी संपत्ति जिले में मौजूद है जो भविष्य में जिसकी कुर्की की जा सकती है? जी, अभी 3 दिन पहले करीब उनके खास सदस्य भीम सिंह जो हैं उनकी भी गाजीपुर में प्रॉपर्टी और लखनऊ में 4 BHK का फ्लैट कुर्क किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।